गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 4, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज यू सम इम्पॉर्टेंट पोर्शन, ओके? सो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर बी। हु सेड दीज लाइन्स टू हुम एंड वाई? इसमें आप लोग को बताना है, ठीक है? ये जो लाइन्स लिखे हुए हैं, किसने कहा और क्यों कहा, ठीक है? योर फर्स्ट वन इज, नाउ आई विल नेवर लीव यू अगेन। हु सेड दिस टू हुम, ये बताना है आपको, ठीक है? एंड वाई, तो इसका आंसर क्या होगा? द वाइट एलिफेंट सेड टू हिज ब्लाइंड मदर बिकॉज द किंग हैड सेंट हिम बैक टू टेक केयर ऑफ हिज मदर। नाउ नेक्स्ट नंबर टू, आई एम क्राइंग बिकॉज आई हैव बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर द पास्ट 7 days एंड डू नॉट नो हाउ टू गेट आउट। योर आंसर इज, The forester said to the white elephant because he was upset as he could not find a way. Number 3. Now there is no one to look after me or feed me. Who said this? The white elephant's mother said to herself because she thought that now her son elephant would be taken in war and whole die and would die. Okay? Number 4, why are you grieving, okay? Your answer is, the king asked the white elephant because he was sad and not eating anything. Number 5, if I put up a struggle, many of these men will be killed. Your answer is, the white elephant said to himself when he saw that king's man had come to take him, okay? उसके बाद आप लोग को करना है पेज 25 का क्वेश्चन नंबर बी, ओके? इसमें क्या करना है आप लोग को, फ्रेजेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फ्रेज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है? अलग अलग। सेवरल फ्रेजल वर्ब्स आर फॉर्म्ड व्हेन वर्ब्स आर कंबाइंड विद प्रीपोजिशन। कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे होते हैं, ठीक है, वो कब फॉर्म करते हैं? जब प्रीपोजिशन के साथ क्या हो, वर्ब्स हो, ठीक है, या वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को जोड़ा जाए, ठीक है? जैसे कि देख लीजिए आप लोग फर्स्ट वन में, सी हेल्प्स एट होम एवरी इवनिंग, सी डैश दी गार्बेज। आप लोग को वर्ब्स यूज़ करना है और साथ में प्रीपोजिशन भी, ठीक है? तो पहले आप लोग को क्या यूज़ करना है, वर्ब्स, उसके बाद क्या यूज़ करना है, प्रीपोजिशन। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन आप लोग को ऊपर दिया हुआ है, ठीक है? आप लोग को ऑप्शन चूज करके बताना है। तो इसमें क्या होगा, टेक्स आउट, ओके? नंबर टू, इट इज़ टू ब्राइट हेयर, प्लीज़ डैश द लाइट, स्विच ऑफ, ओके? नेक्स्ट, आई एम सो हंग्री, लेट अस डैश अ स्नैक इन द फ्रिज। योर आंसर इज, गेट फॉर। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 4, द वॉचमैन आस्क्ड अस टू डैश द प्ले ग्राउंड बिफोर वी गॉट इन टू ट्रबल। योर आंसर इज, गेट इन टू। नंबर 5, You need to dash money for any emergency. Your answer is put aside. Now, question number C. Rewrite the sentences with the opposite of the highlighted words. आप लोगों क्या करना है, सेंटेंस को दोबारा लिखना है, ठीक है? पर इसमें क्या करना है, जो हाईलाइटेड वर्ड दिया हुआ है उसको आप लोगों को चेंज करना है, किस वर्ड में, अपोजिट वर्ड में, ठीक है, उल्टा शब्द में, ठीक है? तो आप लोग इसमें 1, 2, 3, 4, 5 जो क्वेश्चन दिए हुए, इसको क्या करना है, आप लोग को बुक में करना है, ठीक है? तो मैंने जितने भी पढ़ाए हैं उस तीनों को क्या करना है, आप लोग को बुक में भरना है, ठीक है? और उसको क्या करना है, रिवाइज करना है बार बार, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे।